नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम जो अभी सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसके घोटालों की संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसी के भी बारे में हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। नगर पालिका और निगम इसके अंतर्गत विभिन्न सब इंजीनियर के कितने पद निकले हैं और इनके समकक्ष जो कितने पद निकले हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें कितनी फीस लगेगी, क्या इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा और कितने पद निकले हुए हैं। जैसा कि आपने देख लिया है कि 3,435 पदों पर बंपर भर्ती निकली हुई है, तो इसके बारे में हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं तो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 3,435 पद कुल पदों की संख्या, यहाँ पर देखिएगा 3,435 पदों पर संख्या है। और इसमें अलग अलग श्रेणी के अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग आरक्षण नियम जो है वो लागू हुआ है। सबसे अधिक जो है वो पदों की संख्या कहाँ है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न विभागवार ये जो है भर्ती निकली हुई है। इसके अंतर्गत यहाँ पे मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी भोपाल, यहाँ पर निकले हुए हैं कुल 5 पद। और ये है कौन से, उपयंत्री सिविल, यहाँ पर उपयंत्री सिविल के 5 पद। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन भोपाल, यहाँ पे सीधी भर्ती और संविदा के अलग अलग पद हैं। उपयंत्री में से ही इन्हीं में से संविदा के आधार पर ये पद भरे जाएंगे। तो कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा कुल पदों की संख्या 15 और 6 21 और 5 21 और 1 22, कुल पदों की संख्या 22 निकली हुई है। और यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे कि 208 पद हैं। विभिन्न विभिन्न जो सम जो आपके बोलेंगे आप लोग निगम मंडल वगैरह हैं, बहुत सारे विभागों में ये बहुत सारे पद निकले हुए हैं, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कितनी फीस स्ट्रक्चर रहेगा और क्या उसमें शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पद निकले हुए हैं वो किस श्रेणी में निकले हैं हम लोग ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर, इसमें निकले हुए हैं 135 पद। और इसी प्रकार से 30% संविदा उम्मीदवारों के लिए 30% है, 59 पोस्ट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं। कब से ये आवेदन पत्र खुलेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आवेदन पत्र जो है, आवेदन भरने की प्रारंभ होने की तिथि 9/4/2022 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 9/4/2022। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23/4/2022 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि जो है 28/4/2022 है। परीक्षा परीक्षा दिनांक एवं दिन 6 जून 2022 को ये परीक्षा होनी है, यानी कि जून तक कैलेंडर फिक्स हो चुका है। सीधी भर्ती संविदा हेतु अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जो सारे अभ्यर्थी हैं उनको 250 रुपये हैं, अनारक्षित के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है और बैकलॉग पदों के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर देय नहीं रहेगा। तो दोस्तों 6 जून 2022 को ये परीक्षा रहेंगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली 7 से 8 और 12 से 1.5। तो इस प्रकार से पूरा ये टाइम टेबल शेड्यूल रहेगा। उत्तर अंकित करने का समय रहेगा 9 से 12 और 2:30 से 5 बजे तक। ये जो समूह 3 के अंतर्गत है, समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल समकक्ष पदों की भर्ती तृतीय श्रेणी के सारे पद रहेंगे दोस्तों ये। और इसमें सिलेबस इस प्रकार से रहेगा, सामान्य ज्ञान जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कंप्यूटर विज्ञान के 100 प्रश्न, इन सभी को मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और संबंधित विषय यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा किया है आपने तो सिविल के 100 अंकों के पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल के 100 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आयु सीमा रहेगी दोस्तों 18 से 40 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए एवं अनारक्षित वर्ग के लिए एवं अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य सभी को मिलाकर 45 वर्ष तक वे आवेदन कर सकते हैं, बाकी सभी संवर्ग के अभ्यर्थी।
यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि कुल 3,435 पदों पर ये पूरी भर्ती होने वाली है और इसमें वेतनमान भी अच्छा खासा दिया रहेगा। तो ये देखिएगा, उपयंत्री सिविल में शैक्षणिक योग्यताएं क्या चाहिए, सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा, 43,000 रुपये यहाँ पर आपको वेतनमान बैंड शुरू होगा। ये सातवें वेतनमान से इसका वेतन बैंड दिया गया है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन में कुल एक पद है, उपयंत्री का एक पद है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपको अनिवार्य रूप से मांगा गया है। इसी प्रकार सीधी भर्ती उपयंत्री कार्यपालिक 6 पद हैं, 20% निगम के संविदा कर्मियों के लिए, निगम के संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 32,800 से 1,36,600 रुपये यहाँ पर आपको वेतनमान मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा ये मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ की आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उपयंत्री सिविल, इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, आप देखेंगे इस उपयंत्री विद्युत और इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर इंजीनियरिंग होगी 4 वर्षीय तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उपयंत्री विद्युत इलेक्ट्रिकल में सेम आपकी शैक्षणिक अर्हताएं रहेंगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या 2 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा इन रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये किसके लिए चाहिए, उपयंत्री सिविल के लिए। उपयंत्री सिविल के 110 पद और 442 पद जो है उपयंत्री सिविल के काम में निकले हैं। कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं उसमें निकले हुए हैं। तो ये यहाँ पर 442 पद हैं और इसका वर्गवार श्रेणीवार जो है अवलोकन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओपन के पदों की संख्या यहाँ पर अनरिजर्व के 72 पद हैं, अनरिजर्व महिला के पदों की संख्या 36 है। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस प्रकार से अनारक्षित की ये मैं बता रहा हूँ पूरा कोटा, तो 120 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 119, यानी कि 27% आरक्षण यहाँ पर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा सहायक प्रबंधक मुद्रण, इसके लिए आप मुद्रण में आपको टेक्नोलॉजी, मुद्रण टेक्नोलॉजी में आपकी बी बीटेक होना चाहिए। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विज्ञान स्नातक उपरांत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रण टेक्नोलॉजी में पीजी डिप्लोमा एवं शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य अनुभव, या तो मुद्रण में आपका 1 वर्ष का कार्य अनुभव हो, आप साइंस विषय से बीएससी हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 1 वर्ष के अनुभव के साथ। सहायक प्रबंधक कागज, सहायक प्रबंधक कागज में भी इसी पेपर टेक्नोलॉजी में बी बीटेक होना चाहिए, या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विज्ञान उपरांत आपको 1 वर्ष का अनुभव आपका हो तो आप बीएससी के साथ में कागज टेक्नोलॉजी, यानी कि जहाँ कागज बनता है उस कारखाने में अगर आपका 1 वर्ष का सुपरवाइजरी का अनुभव होगा तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से उपयंत्री सिविल का ये सेम ग्रेड पे रहेगा, 3 वर्षीय डिप्लोमा है और 9,300 से 34,800 3200 ग्रेड पे रहेंगी, ये छठे वेतनमान के अनुसार है। सातवें वेतनमान में इसकी गणना अलग से की जाएगी। कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल के अंतर्गत पदों की संख्या 9 है और ये इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के पद है, तो इंजीनियरिंग के सारे पदों की संख्या आप अलग अलग विभागों में यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा काफी लंबा चौड़ा ये है तो हम लोग इसको शॉर्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, मतलब कुल मिलाकर आप लोग इंजीनियरिंग के ही पद हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित सारे पद हैं, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में जान सकते हैं। टेलीग्राम पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके यहाँ पर नीचे की तरफ कमेंट करके आप मुझे कोई भी आपका डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियोज और शैक्षणिक जानकारी के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। जय हिंद।